हाय फ्रेंड्स, स्वागत है मेरी आई स्मार्ट रसोई में। फ्रेंड्स, मैं ममता आप लोगों के लिए एक बहुत ही कलरफुल यमी से स्वीट लेकर आई हूँ। मुझे यकीन है बच्चों की ये फेवरेट बन जाएगी, तो इस आने वाली दिवाली में बनाएं कम समय में बनने वाली एकदम आसान सी कलरफुल स्वीट जो बच्चों के साथ साथ बड़ों की भी फेवरेट बन जाएगी। तो चलिए फटाफट इसे बनाते हैं। फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आती हो तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। गैस पर कढ़ाई चढ़ाएं, फ्लेम को मैंने पूरी तरह से लो रखा है। अब इसमें डालें 2 से 3 टेबलस्पून गाय घी। घी को थोड़ी मेल्ट होने दें। अब देखिए घी मेल्ट हो गई है। अब इसमें डालें आधी कटोरी दूध। गैस की फ्लेम को मैंने पूरी लो पर रखा है। अब इसमें डालें 2 बड़ी चम्मच चीनी। अब इसे चला लेते हैं। दूध थोड़ी गर्म हो गई है और चीनी भी घुल गई है। अब इसमें डालेंगे 2 कटोरी मिल्क पाउडर। ये उसी कटोरी से नाप कर डाल रही हूँ जिस कटोरी से मैंने दूध नापा था। आप इस तरह से कोई एक कप या फिर कटोरी सेट करके उसी से सारे मेजरमेंट करके बनाएं। अगर उबलते हुए दूध में मिल्क पाउडर डालेंगे तो लम्स बन जाएगी, इसीलिए हम सिर्फ गर्म दूध में ही मिल्क पाउडर डालेंगे। अब इसे हम लगातार चलाते हुए गाढ़ी करनी। अगर बाई चांस थोड़ी लम्स बन भी जाए तो आप एक चम्मच से इस लम्स को तोड़ लें, ये आसानी से टूट जाए। दोस्तों, ये मिठाई सिर्फ मिल्क पाउडर से बनाने की वजह से पूरी हेल्दी है और बच्चों को आप चॉकलेट की रिप्लेसमेंट में इसे दे सकते हैं। टेस्ट भी पूरी मिल्क चॉकलेट की जैसी ही है और कलरफुल होने की वजह से बच्चे बहुत पसंद करेंगे, तो अपने बच्चों के लिए ज़रूर इसे बनाइए। देखिए अब ये गाढ़ी होने लगी है। अब इसे लगातार चलाते जाएं। इस मिक्स को हमें पूरी थिकन करनी है। आइए अब देखिए ये मिक्सचर काफी गाढ़ी हो चुकी है और स्मूथ भी। अब इसे थोड़ी और थिकन करेंगे। अब ये पूरी हो गई है। अब इसमें से आधी अलग कर लेंगे। अब आधी सी पार्ट में मैंने ये 1 पिंच खाने का येलो कलर मिला रही हूँ। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करें। ये मिक्सचर दोनों अब ठंडी हो गई है। अब ये येलो वाली मिक्सचर से हम थोड़े बड़े बड़े बोल बनाएंगे और ये व्हाइट वाली मिक्सचर से थोड़ी छोटी छोटी बॉल। मैं यहाँ थोड़े बड़े बड़े बॉल्स बनाई हूँ। आप चाहें तो छोटे छोटे पोर्शन लेके थोड़े ज़्यादा स्वीट्स इसके बना सकते हैं। इतने में आप 10 से 12 स्वीट्स बना सकते हैं। ये येलो वाली बॉल्स को ले लें और इसे अच्छी तरह से राउंड करें। अब इसके बीच में दबाकर कटोरी जैसे शेप बनाएं, जैसे हम स्टफिंग वाली रोटियां बनाने के लिए करते हैं उसी तरह से। इस तरह से देखिए, अब इसके बीच में हम व्हाइट वाली बॉल्स को भरेंगे। अब इसे चारों ओर से मोड़कर बंद करें। और इसे इस तरह से गोल करें। ये देखिए, ये हो गई पूरी परफेक्टली। मैं और एक बनाकर दिखा रही हूँ। ये देखिए, आप इस तरह से बनाइए। ये देखिए, ये बन गई।
इसी तरह से आप बाकी सब बना लें। ये देखिए मैंने सारे तैयार कर लिए हैं, देखिए कितनी अच्छी दिख रही है। और टेस्ट इसकी, आप इसे पेड़ा बोल सकते हैं, संदेश बोल सकते हैं, या फिर मिल्क चॉकलेट बोल सकते हैं। तो बच्चों के लिए इस दिवाली में जरूरी से बनाइए। तो फ्रेंड्स इसे बनाइए जरूर, और कैसी लगी कमेंट्स में लिखिए। अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में और एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। थैंक यू।